हेलो दोस्तों, मैं शशांक चौरसिया सुपर टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ने आंसर की डाल दी है और आप सभी ने आंसर की देख ली होगी, और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन डालना होगा उन लोगों ने ऑब्जेक्शन डाल भी दिया है। दोस्तों, मैंने 10,000 स्टूडेंट पे सर्वे किया है, जिसके आधार पर एक कट ऑफ निकाला है ALP का, टेक्नीशियन का एंड PCM का। तो दोस्तों, आंसर की आने के बाद ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी में 26.5 नंबर जो है नहीं ला पा रहे हैं। इसमें से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 23, 24, 25 या 26 नंबर है, और इन लोगों ने कोई ना कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जरूर डाला होगा। और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत बच्चों के नंबर जो हैं 18 से 20 भी रह जा रहा है, जिन्होंने पार्ट ए में अच्छा किया है, 65 नंबर लाए, 70 नंबर लाए, बट पार्ट बी में 26.5 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कंफ्यूज है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों ने RRB को ट्वीट किया था, जिसमें RRB कोलकाता ने ये आंसर दिया है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो बच्चे ऑब्जेक्शन डाले हैं, अगर उनके ऑब्जेक्शन में ठीक हो गए तो वो 26.5 नंबर तो ला लेंगे, बट अगर ऑब्जेक्शन में भी उनके नंबर नहीं हुए तो पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इससे उन बच्चों को फायदा मिलेगा जिन बच्चों के नंबर 26.5 के आसपास हैं, 23, 24, 25 या 26 नंबर जिनके आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में पूरी पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों के 26.5 नंबर का जो जादुई आंकड़ा है वो पार जरूर कर लेंगे और अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों, 10,000 स्टूडेंट पे सर्वे के आधार पर एक कट ऑफ निकला है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो ALP की जो पोस्ट है वो अपने पास पोस्ट है 27,795 और टेक्नीशियन की है 36,576। और दोस्तों, ALP में जो रेलवे लेगा वो 8 गुना बच्चों को लेगा, क्योंकि इसमें इसके बाद साइको भी है, फिर मेडिकल देना है, तो ALP के लिए वो 8 गुना बच्चे सेलेक्ट करना है, और ITI या PCM टेक्नीशियन के लिए 2 गुना बच्चों को लिया जाना है, क्योंकि इन बच्चों का साइको नहीं होगा, उन्हें डायरेक्ट मेडिकल देना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कट ऑफ की। तो ALP के लिए दोस्तों, जो कट ऑफ है, अगर जनरल वाला स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, किसी भी जोन का हो, तो ALP के लिए जो जनरल का कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच जाएगा, और पूरी पूरी उम्मीद है कि 55 से 60 के बीच ही जाएगा। और OBC का अगर कोई बच्चा है तो OBC के लिए जो कट ऑफ है वो 48 to 52, यानी 48 से 52 के बीच। जिन बच्चों के भी नंबर आए हैं वे बेफिक्र रहिए और अगले स्टेज की तैयारी में लग जाइए। SC के लिए कट ऑफ रहने वाला है 46 से 48 के बीच, और ST वाले बच्चों के लिए रहने वाला है 42 से 45 के बीच। और दोस्तों, ये जो सब नंबर है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन के हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस नंबर से 5-7 नंबर आगे जाएगा कट ऑफ, क्योंकि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो 5-6 नंबर आगे रहेगा कट ऑफ। अब बात करते हैं अपन टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन का कट ऑफ दोस्तों हाई जाएगा, जैसा आप सभी जानते हैं। जो जनरल का रहने वाला है वो है 68 से 70 के बीच, OBC वाले बच्चों के लिए रहने वाला है 65 से 68 के बीच, ST वाले बच्चों का रहने वाला है 61 से 63 के बीच, और SC वाले जो बच्चे हैं, ये दोस्तों SC है और ये अपना ST है, तो SC वाले बच्चों के लिए रहने वाला है 61 से 63 के बीच, और ST वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टेक्नीशियन में कट ऑफ जाएगा 57 से 60 के बीच। अब आइए बात करते हैं PCM की। तो दोस्तों, PCM का कट ऑफ LP और टेक्नीशियन दोनों से हाई जाएगा। जो जनरल वाले बच्चों के लिए रहने वाला है 74 से 78 के बीच, OBC वाले बच्चों का 69 to 72, 69 से 72 के बीच, ST वाले बच्चों का रहने वाला है 65 से 68 के बीच, और SC वाले बच्चों का रहने वाला है 61 से 63 के बीच। दोस्तों, PCM का हाई जाएगा। और अब दोस्तों, जिन बच्चों का 26.5 नहीं आ पा रहे हैं तो वो बेफिक्र रहिए, अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है। RRB कोलकाता ने क्लियर कर दिया है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन
जरूरी होगा और उन बच्चों को जरूर फायदा होगा जिनके नंबर 26 के आसपास आ रहा है, उनकी पूरी पूरी उम्मीद है कि वो नॉर्मलाइजेशन में पास हो जाएंगे। और दोस्तों अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जिन बच्चों के नंबर 26.5 नहीं आ पाए तो वो बेफिक्र रहिए, अभी रेलवे ने आरआरबी जेई, एसएससी जेई और एएसएम गुडगार्ड्स एनटीपीसी की वैकेंसी दी है, तो उन तैयारी को कीजिए। अभी ये बहुत सुनहरा मौका है, रेलवे ने इतनी सारी वैकेंसी एक साथ निकाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।